ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मंगल की दुनिया वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल कुंडली के आठवें घर में, मींस मार्स इन द एट्थ हाउस ऑफ द चार्ट। मंगल की कुंडली के सभी हाउसेज में प्लेसमेंट पे मंगल की दुनिया वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से शनि की दुनिया, केतु की दुनिया, राहु की दुनिया, ये प्लेलिस्ट से आप इन प्लैनेट्स के बारे में डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट के बारे में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ना दबाना भूलें। तो एट्थ हाउस होता है आपके परिवार का जीवन, ये सेवेंथ हाउस का नेक्स्ट है, मींस आपके लाइफ पार्टनर की ग्रोथ है, ये लाइफ पार्टनर की संपत्ति है, ये पब्लिक का पैसा है, ये वसीयत है, दहेज है, इंश्योरेंस है, लोन है। अगर एट्थ हाउस स्ट्रांग हो तो जातक को दूसरों से फायदा मिलता है, पब्लिक के पैसे से वो पैसा कमाता है, लोगों से लाभ कमाता है। एट्थ हाउस एक ट्रिक हाउस है। अगर एट्थ हाउस या इसका स्वामी अफ्लिक्टेड हो तो लाइफ में मेजर दिक्कतें होती हैं। एट्थ हाउस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, ये कॉज ऑफ डेथ है, ये मौत का कारण भी हो सकता है। ये सेक्स लाइफ की एंजॉयमेंट है, ये किसी भी जातक के सेक्सुअल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। जब किसी के चार्ट में मंगल एट्थ हाउस में होता है तो वो आदमी जवान का बड़ा पक्का होता है, मेहनत करके रोटी खाता है, काम चाहे कोई भी करे उसको मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादातर केसेस में वो लोगों की पैसे से पैसा कमाना जानता है, बट उसके अंदर उसकी अपनी मेहनत इन्वॉल्व रहती है। ये लोग बात पे बहुत अटल रहते हैं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर वो उस पर फंस जाते हैं, नतीजा चाहे कुछ भी हो। दिल के साफ रहते हैं। जनरली इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जरूर मिलती है, हो सकता है इनको इनके इन लॉ से, वसीयत से, चाहे वसीयत इनके पेरेंट्स की हो या इनके इन लॉज की हो या किसी और रिलेशन की हो, वहां से इनको पैसा जरूर मिलता है। मंगल एट्थ हाउस में मांगलिक दोष देता है। जब मंगल कुंडली के एट्थ हाउस में हो तो कुंडली मिलाते समय मांगलिक दोष का कैंसिलेशन देख लेना चाहिए। अगर मांगलिक दोष का कैंसिलेशन हो या दोनों की कुंडली में मंगल दोष हो तभी शादी करनी चाहिए। मंगल सेक्स के प्रति रुचि बहुत बढ़ा देता है, सेक्स के चक्कर में प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल जातक कई जगह पर रिलेशन बनाता है। लाइफ पार्टनर की ग्रोथ को मंगल खराब कर देता है। तो अगर उसकी लाइफ पार्टनर अगर बिजनेस या कोई जॉब करता है तो शादी होने के बाद ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि लाइफ पार्टनर काम करना बंद कर देगा या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर लाइफ पार्टनर का मंगल स्ट्रांग है और दोनों कंपेटिबल है तो दोनों लाइफ का भरपूर मजा उठा सकते हैं। एट्थ हाउस गुप्त शक्तियों का घर होता है, ये वो शक्तियां हैं जो जातक के अंदर छुपी होती हैं। जब मंगल एट्थ हाउस में हो तो मंगल उन शक्तियों को उभार सकता है, उनको बाहर निकाल सकता है और उनकी वजह से वो जातक पैसा कमा सकता है। मगर इसके लिए जरूरी है कि एट्थ हाउस का स्वामी की पोजीशन ठीक हो। जातक को झटके से अचानक लाभ हो सकता है। मंगल एट्थ हाउस में बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी जरूर देता है, चाहे छोटी हो या बड़ी। किस साइन में है वो साइन बताता है कि डिफॉर्मिटी कहाँ पे है। एट्थ हाउस में मंगल जीवन में कोई बड़ा एक्सीडेंट या चोट से लाइफ को खतरा जरूर देता है। जब अगर कुंडली में शनि की पोजीशन ठीक हो तो लाइफ बची रहती है, या दशा, महादशा, अंतरदशा के अनुसार। अदरवाइज वो एक्सीडेंट लाइफ का अंतिम एक्सीडेंट भी हो सकता है।
मंगल एट हाउस में हो तो आंखों में प्रॉब्लम जरूर होती है, चश्मा लगाना पड़ सकता है। ओवरऑल जातक में एनर्जी का लेवल काफी ज्यादा रहता है, जीवन के अंतिम समय तक कुछ ना कुछ करता रहता है, मेहनत करता रहता है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करता रहता है। एट हाउस आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का भी होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं। सो मंगल एट हाउस में यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन दे सकता है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन दे सकता है। अगर मंगल एट हाउस में हो तो जातक के बच्चे होते जरूर हैं, मगर ज़्यादातर गिनती कम होती है। अगर वो साइंस या कोई रिसर्च के फील्ड में है तो काफ़ी आगे तक जा सकता है, क्योंकि एट हाउस रिसर्च का भी है, सीक्रेसी का भी है। तो कोई लोग सीबीआई में, आईबी में, उनके अंदर भी इस फील्ड में जा सकते हैं। कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन की उनका इनबिल्ट टैलेंट होता है, तो जब मंगल एट हाउस में होता है तो टैलेंट जो है वो उभर के बाहर आता है। एट हाउस रिसर्च का घर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का घर है, या ओकल्ट स्टडीज का घर है, सीक्रेसी, छुपी हुई चीजें, छुपा हुआ ज्ञान और हिडन पोटेंशियल। मंगल यहाँ पे आके उनको उभार देता है, बाहर निकालता है। दोस्तों कई बार लोग देखकर घबरा जाते हैं मंगल एट हाउस में है तो उनकी जिंदगी में मेजर दिक्कत है, ऐसा नहीं है। उसको एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली लेते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में कन्या राशि में मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य चार प्लेनेट हैं। एट हाउस काफी स्ट्रांग है। कन्या राशि है, कन्या राशि बुध की है, कम्युनिकेशन की है। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपनी कम्युनिकेशन से, बोलचाल से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक नई जगह बनाई है, वो एक लीजेंड बन गए हैं। केबीसी शो आप जानते हैं, जिनमें सिर्फ वो अपनी बोलचाल से पूरी दुनिया को जीत रहे हैं। अमिताभ बच्चन का एक बार एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें उनके पेट पर, पेट क्या है, कन्या राशि ही पेट को सिग्निफाई करती है, उनको काफी बड़ी चोट लगी थी और लाइफ का काफी बड़ा खतरा था। अमिताभ बच्चन के सेक्सुअल लाइफ के बारे में अफवाहों को आपने पढ़ा और सुना भी होगा कि उनके कई जगह रिलेशन रहे हैं, प्रवीण बॉबी, रेखा और कई जगह। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मंगल एट हाउस में आपको नुकसान करे। ये एनर्जी का लेवल है जो उस जगह पे गया है जहां से ये इनके सिग्निफिकेशन एक्टिवेट होते हैं। मंगल जिस भी घर में होगा वहां पे उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, मगर जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का इफेक्ट किस राशि में, किस प्लेनेट के प्रभाव में है, वो इनके रिजल्ट को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, अच्छे या खराब। दोस्तों ये तो था मंगल का एट हाउस में प्लेसमेंट। आप अपने कमेंट क्वेरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।